दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, काम नहीं कर पाए, ये तो जनता बताएगी ना, जनता बताती, जनता में तो कोई आक्रोश नहीं है उनके प्रति। सबसे शक्तिशाली इस समय कोई प्रत्याशी है तो उज्जवल गुप्ता है। आपको आवश्यकता क्यों पड़ी बदलने, कारण क्या था? फिरोजाबाद क्या करेगा, जनता क्या करेगी? सिखाती रहे आपको, आप नेता बनाते रहिए नए नए, कि जो कामिनी राठौर जी वो काम करना चाहे भी तो भी उन्हें नहीं करने दिया जाए। जब वो आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे तो उन्होंने क्या कुछ पढ़ रखा होगा, कितना कुछ किया होगा, लेकिन एक महापौर के साथ वो सामंजस्य कैसे बिठाए? तो यहाँ एक बात जरूर है कि अगर योग्य प्रत्याशी नहीं होता तो आप इसे जनता का भले की बात तो कह नहीं सकते कि ये जनता के साथ अच्छा होने वाला है। अपनी प्रत्याशिता किस आधार पर दर्शा रहे, तब आपको पता चलेगा कि इनके पति कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इनके पति बीजेपी के बड़े नेता हैं, कि फिरोजाबाद में 5 लाख वोटर हैं, उनमें से लगभग 1.5-2 लाख तो महिलाएं होंगी ना, उनमें से आप अपने लिए एक अच्छा कैंडिडेट नहीं चुन सके। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है KIA न्यूज के स्पेशल सीरीज किया इंटरव्यू में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारा नेता कैसा हो। इस सीरीज में हम, जैसा कि आप जानते हैं कि कई लोगों के इंटरव्यूज कर चुके हैं, ये एक टॉक शो है जिसमें हम लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि हमारे समाज में क्या कुछ घट रहा है। लेकिन आज का जो स्पेशल एपिसोड है उसमें हम एक साहित्यकार हैं, उनसे ये जानेंगे कि हमारा नेता कैसा हो। चूँकि नगर में निकाय चुनाव हैं और निकाय चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी लगभग सभी पार्टियों से खड़े हुए हैं, और उनमें से कौन सा प्रत्याशी अच्छा होगा फिरोजाबाद शहर के लिए, राजनीतिक दृष्टि से कौन अच्छा रहेगा, साहित्यिक दृष्टि से कौन अच्छा रहेगा, चूँकि आज हमने एक साहित्यकार को अपने यहाँ निमंत्रण दिया है, वो हमारे स्टूडियो पर आए हैं और वो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आज हम उनसे बात करेंगे। कृष्ण कुमार कनक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आमंत्रित किया। और कनक जी, कैसा लग रहा है आपको जो निकाय चुनाव का माहौल है, कैसा माहौल दिख रहा है आपको? देखिए गौरव जी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि चुनाव हमारे देश में एक ऐसे कहिए कि जैसे एक त्यौहार ख़त्म होता है उसके बाद दूसरा त्यौहार प्रारंभ हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से चुनाव भी है। आप पूरे देश भर में देख रहे हैं इस समय चुनाव का माहौल है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का चुनाव चलता रहता है, और इस समय उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है। तो चुनाव ठीक भी है क्योंकि ये एक नियंत्रण रेखा रहती है, इसके कारण जो नेता है जो समाज में समाज की सेवा के लिए निमित्त जो अपने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तो उनके लिए अवसर होता है, और उनके पास एक सीमा रहती है कि अगर इतनी सीमा में वे काम ठीक से नहीं कर पाए तो जनता उन्हें हटा देगी। तो इसलिए चुनाव होना ये जरूरी है, आवश्यक है, और वही उपक्रम हो रहा है। ठीक, तो जैसा कि आप चूंकि एक साहित्यकार हैं तो साहित्यकार की दृष्टि से समाज में किस तरह का जो महापौर होना चाहिए, चूंकि महापौर प्रथम नागरिक होता है किसी भी नगर निगम का, तो हमारे जो निकाय में निवर्तमान महापौर रही उनमें आपने कुछ कमियां देखी हो, या अब जो आने वाले महापौर हैं उनसे आप कुछ अपेक्षा रखते हो? देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। अगर बात करेंगे कि महापौर, निवर्तमान महापौर की, आदरणीय श्रीमती नूतन राठौर जी, तो आपने कहा कि कमियां आपने देखी, तो देखिए आप कमियां देखने निकलिए, आपको बहुत सारी कमियां मिल जाएंगी। आज की आवश्यकता है वर्तमान समय की वो ये है कि हम अच्छाइयां खोजने निकले, बुराइयां खोजने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, बहुत सारी मिल जाएंगी जी। किंतु एक बात हमें बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जिस पद पर आता है वह यह प्रयास अवश्य करता है कि वो इतना अच्छा काम करके जाए कि आगे आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है या अन्य लोग जो हैं उनको फॉलो करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं
उनसे कुछ प्रेरणा लें, ये प्रत्येक का रहता है। हाँ, ये एक अलग बिंदु है कि जब वो कोई कार्य कर रहे होते हैं तो निजी स्वार्थ या अपने व्यक्तिगत मिलने वाले, उनके लिए कुछ हो गया, कुछ उन्होंने उनके लिए व्यक्ति विशेष के प्रति अपनी निष्ठा आदर भाव आदि को देखकर कुछ कोई ऐसे कार्य वितरण, अब जैसे नगर निगम में तो यही होता है कि हम बहुत सारी जो योजनाएं होती हैं जिनमें जैसे सड़क निर्माण है या गली मोहल्ले का काम है, जल व्यवस्था है, इन सारी चीज़ों में तो किसी न किसी को अपने संबंधी को प्रदान कर दिया, तो इसको मैं नहीं मानता कि ये कमियों के अंतर्गत है। लेकिन एक जब बड़ा स्तर हो जाए तो फिर ये कमी के अंतर्गत आता है, जब स्तर बहुत उच्च हो जाता है तो ये एक अलग बिंदु है। लेकिन अगर महापौर के रूप में आप नूतन राठौर जी को देखते हैं तो आप ये निश्चित मानिए कि नूतन राठौर जी का कार्यकाल हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी जनपद, किसी भी नगर निगम में किसी से कमज़ोर नहीं रहा है। उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर काम किया, वे पढ़ी लिखी महिला थी और उन्होंने उसका परिचय भी दिया। हाँ, ये बात अलग है कि प्रारंभ उनका जब हुआ था वो राजनीति में उस तरह सक्रिय नहीं थी, तो प्रारंभिक एक दो वर्ष जरूर ऐसे लगे जिनमें उनकी राजनीतिक पकड़ अच्छी नहीं थी, इसके कारण क्योंकि राजनीति एक अलग एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको काम करना पड़ता है, आपको कुछ दिन रहना पड़ता है, लोगों से संवाद सीखना पड़ता है, कैसे हमें व्यक्तियों के पास जाना है, उनकी समस्याओं को कई बार, चूंकि मेरा कई अच्छे लोगों से मिलना जुलना होता है, हम उस विषय पर चर्चा करते हैं, तो पता ये चलता है कि जो एक नेता है एक क्षेत्र में या उस स्थान पर जहाँ पर उसका कार्य क्षेत्र है वहाँ के लोग उससे आशा रखते हैं, तो कई बार उसको ऐसा भी करना पड़ता है कि वह अपने क्षेत्र की जनता को आश्वस्त करता है और वह यह जानते हुए भी कि यह काम संभव नहीं है, फिर भी उसे आश्वस्त करना पड़ता है क्योंकि जनता नहीं समझेगी, जनता को यदि वो समझाना भी चाहेगी यह कार्य संभव नहीं है, फिर भी उसको आश्वासन देना पड़ता है क्योंकि जनता नहीं समझेगी, तो ये स्थितियां होती हैं। मेरी दृष्टि से उनका कार्यकाल अगर आप कहेंगे कि अत्युत्तम तो अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन हाँ ठीक था, अच्छा रहा जी। आने वाली जो अग्रिम महापौर हैं उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? हाँ, ये प्रश्न आपका थोड़ा सा उलझाता हुआ है, उसका कारण ये है कि वर्तमान समय में जो हम प्रत्याशी देख रहे हैं इनके कुछ बिंदुओं को आपको समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ कुल मिला के 7 प्रत्याशी ऐसे हैं जो मैदान में मजबूती के साथ उतरे हैं। मैं सूची अगर देखता हूं तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और एक निर्दलीय प्रत्याशी और एक किन्नर, इसके अलावा 4 बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं मैदान में। अब यहां सोचने वाली बात ये पड़ती है कि अगर हम विश्लेषण करें तो हमारे नगर निगम में लगभग 1.25 लाख के करीब मुस्लिम वोट हैं और 5-6 लाख के आसपास का जो वोटिंग हमारे यहाँ का जो चुनावी गणित है उसमें अगर आप देखेंगे कि 1.25 लाख जिनके वोट हैं वहाँ पर जो प्रत्याशी हैं 4 हैं। अब यहाँ पे ये समझ में आता है, अच्छा उनके बाद भी एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 4 प्रत्याशियों में लगभग लगभग प्रत्येक महिला प्रत्याशी वो गृहिणी है। अगर हम बात करें बीजेपी से जिन्हें टिकट मिला है, आदरणीय श्रीमती कामिनी राठौर जी जो सुरेंद्र जी की पत्नी है, सुरेंद्र राठौर जी, वे नगर निगम में पहले मनोनीत पार्षद रहे हैं, उनकी पत्नी, लेकिन उनका कोई योगदान नहीं है समाज की दृष्टि से और ना ही राजनीतिक दृष्टि से। तो अब आज की परिस्थिति को देखेंगे तो बीजेपी चूंकि सत्ताधारी पार्टी है, इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ये चाहेगा कि सत्ताधारी दल का ही हमारा महापौर हो जी।
ऐसी स्थिति में उनकी जीत को आप प्रश्न चिन्ह की दृष्टि से नहीं देख सकते, किंतु अगर हम ये देखना, अगर ये कहें कि वो प्रत्याशी कैसे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वे उचित प्रत्याशी है। अब क्या समझ के बीजेपी ने उनको टिकट दिया होगा, ये तो बीजेपी का अपना अंदरूनी मसला है, वो स्वयं जाने। किंतु प्रत्याशी के तौर पर एक घरेलू महिला जिसका कोई योगदान समाज में नहीं रहा है, फिर आप उसको कैंडिडेट बनाते हैं, उसको उसके साथ कई महत्वपूर्ण कार्य जुड़ते हैं। महापौर ऐसे ही किसी को नहीं कह दिया जाता कि वो प्रथम नागरिक है, तो उसको जो शहर की समस्या है वो सुननी है, समझनी है। फिर आप कहेंगे कि वो काम कौन करेगा। आपको एक बात और जाननी पड़ेगी कि जो महापौर होता है उसका जो सचिव है वह एक आईएएस अधिकारी होता है जी। वो जो नगर आयुक्त होंगे वो एक आईएएस अधिकारी होंगे, जिन्होंने अपना, जब वो आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे तो उन्होंने क्या कुछ पढ़ रखा होगा, कितना कुछ किया होगा। लेकिन एक महापौर के साथ वो सामंजस्य कैसे बिठाएंगे, क्योंकि महापौर को, महापौर के सामने प्रश्न आया, महापौर के सामने जनता गई, जनता ने अपनी बात रखी और उन्होंने ठीकरा फोड़ दिया उस नगर आयुक्त पर। अब नगर आयुक्त समेटता फिरे कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, और वह समझाना चाहे महापौर को तो महापौर को समझ में नहीं आएगा, तब फिर वो उनके पति को समझाएगा। तो यहाँ एक बात जरूर है कि अगर योग्य प्रत्याशी नहीं होता तो आप इसे जनता के भले की बात तो कह नहीं सकते कि ये जनता के साथ अच्छा होने वाला है। ये समझना चाहिए कि महापौर का जो एक जो निजी सचिव है, जो उसका सचिव है, वह एक आईएएस लेवल का अधिकारी है, आईएएस है, तो निश्चित रूप से एक अच्छे प्रत्याशी को होना चाहिए था, जो पढ़ा लिखा भी हो, जिसकी अपनी पकड़ भी रही हो, जिसने समाज के लिए काम किया हो, जिस समाज को समझता हो। लेकिन देखा जाए तो कामिनी राठौर जी अनपढ़ तो नहीं है जी, पढ़ी लिखी तो है, लेकिन उनके लिए ये इस तरीके की बयानबाजी और ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि वो बिना पढ़ी लिखी महिला हैं, और पढ़ा लिखा और बिना पढ़ा लिखा क्या, सर्टिफिकेट ही तो होता है जी। जी ये बिल्कुल सही है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो पढ़ी लिखी भी है, उनके पास अपने समय नरेंद्र मोदी जी भी अपना सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं। लेकिन अब दोनों की बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि नरेंद्र मोदी का अपना, अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो नरेंद्र मोदी ने जमीनी स्तर से काम करना शुरू किया था। आप जानते हैं कि हम सब जानते हैं कि 13 वर्ष की आयु से वो संघ की ओर चले गए, संघ में उन्होंने काम किया, जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो जनता को जानते हैं, समझते हैं। फिर वो अन्य अन्य पदों पर उन्होंने काम किया, उन्होंने जो दायित्व तो संघ के होते हैं उनको ग्रहण किया, उसके बाद वो पार्टी में आए, और पार्टी में आने के बाद उन्होंने पार्टी में काम किया, विधायक हुए, उनको विधायकों के साथ, उन्होंने कई विधायकों के साथ काम किया, तो उनको पता है कि जनता के किस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया जाना चाहिए। और नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कितना पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं ये एक अलग इशू है, लेकिन उन्होंने काम किया। वो जन वही तो बात है कि आपकी जनता के साथ पकड़ क्या रही, गृहिणी है ना, गृहिणी है, वो धीरे धीरे करके सीख जाएंगी। नहीं, आप देखिए, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, गृहिणी है, आपको एक बात ये समझनी ही होगी कि वे गृहिणी है, धीरे धीरे सीख जाएंगी, पर सीखने नहीं दिया जाएगा। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। भारत में जैसे यहाँ पे कहा गया कि जो सीट है वो ओबीसी महिला होगी, यानी किसी ओबीसी कैटेगरी से महिला, उसको दायित्व दिया जाएगा महापौर का। लेकिन अब यहां देखिए, प्रत्याशियों में जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हों, किसी या बीजेपी के ही प्रत्याशी की बात कर लीजिए, बसपा के प्रत्याशी की बात कर लीजिएगा, इनमें से कौन सा ऐसा प्रत्याशी था या अभी इस समय है जिसने समाज में जाकर काम किया? कोई किसी संगठन से जुड़ा हुआ बता दीजिएगा, जो किसी महिला संगठन से जुड़ा हो। इन चार जो बड़ी दिग्गज पार्टियां हैं वो उन्होंने समाज में जाकर कोई काम किया हो,
अपनी अपनी प्रत्याशा किस आधार पर दर्शा रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि इनके पति कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इनके पति बीजेपी के बड़े नेता हैं, इनके पति कांग्रेस में 20 साल काम किया है। लेकिन उनके पति ने काम किया है ना, उन्होंने क्या किया, उनकी क्या पहचान है? तो महिला सीट रही, हो सकता है उन्हें कोई योग्य महिला ना मिली हो, इसलिए पति के ऊपर दांव खेला गया। नहीं, तो ये दुर्भाग्य है ना, यही तो कहना चाह रहे हैं कि फिरोजाबाद में 5 लाख वोटर हैं, उनमें से लगभग 1.5-2 लाख तो महिलाएं होंगी ना, उनमें से आप अपने लिए एक अच्छा कैंडिडेट नहीं चुन सके। आवेदन नहीं किया ना लोगों ने जो? नहीं, आवेदन नहीं किया, ये ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप ये इस बात से थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस बात को कि आवेदन नहीं किया फिर भी आप देख सकते हैं। आप क्या महिलाएं नहीं काम कर रही हैं क्या? सक्रियता से काम कर रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, जो काम कर रही हो जिसमें आप क्षमता समझते हो। ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि जिसने आवेदन नहीं किया होता पार्टी उसे सक्षम समझती है, उससे स्वयं बात करती है कि हम चाहते हैं आपको कि आप चुनाव लड़े। आवेदन करना ये तो एक नाटक हो गया आजकल, 150-150 आवेदन थे पहले से पड़े थे। पार्टी देखती है, चुनती है, वो देखती है कि कितने लोग कितने कार्यकर्ता हैं। वर्तमान महापौर थी वो भी ओबीसी महिला ही थी। बहुत अच्छी बात जो मेरे स्मरण से निकल रही थी, आपने बहुत अच्छी बात मुझे याद दिलाई। वो आपको आवश्यकता क्यों पड़ी बदलने की, कारण क्या था, यह एक बड़ा प्रश्न है। वो पढ़ी लिखी महिला भी थी, उनको अनुभव भी था, 5 वर्ष तक वो महापौर रह चुकी थी, ओबीसी की महिला थी, सक्रिय थी। आप किसी भी कीमत पर किसी भी शर्त पर फिरोजाबाद में एक महिला ऐसी निकाल दीजिएगा जो उनसे बेहतर हो ही नहीं सकता। 5 वर्ष का अनुभव था उनके पास, आप उसको प्रत्याशी नहीं बना रहे। पेट से तो वो भी नहीं सीख के आई थी, वो भी तो आके ही सीखी थी ना। कोई भी हो, नहीं मैं आप बात तो इस बात की है ना कि ओबीसी महिलाएं, आप फिर नया सीखते रहिए, फिरोजाबाद क्या करेगा, जनता क्या करेगी, सिखाती रहे आपको, आप नेता बनाते रहिए नए नए। 5 साल का समय दिया था ना महापौर को, महापौर के रूप में, बीजेपी के महापौर के रूप में नूतन राठौर जी को समय दिया था ना, वो सीख गई, आप हटा दीजिए फिर दूसरा ले आइए, जनता अब उसे सिखाती रहे, साहब सीख रहे हैं, फिर उसके बाद अगले वर्ष किसी और को ले आइएगा। आप नूतन राठौर जी को टिकट आपने नहीं दिया, आप कह सकते हैं उन्होंने आवेदन नहीं किया, क्यों आवेदन करेंगी, आपको दिख नहीं रहा कि अनुभवी प्रत्याशी हैं, उनको दोबारा रिपीट करना है, ओबीसी महिला लानी है, वो ओबीसी हैं, महिला भी हैं, अनुभव भी है और राठौर भी है, और राठौर भी है। यदि आप ये चाहते हो कि राठौर प्रत्याशी ही लाना है तो राठौर भी है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं जी। पर कहीं ना कहीं यदि आपने बदला है, राठौर प्रत्याशी ही लेकर आए हैं, तो आप कहना क्या चाहते हैं, आपकी नीयत बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। चलिए बीजेपी को इतर बात करते, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, इन लोगों ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। ये इन सब पे अगर हम दृष्टिपात करें तो यही बातें कि देखिए, पहली बात तो हम सबको स्वीकारना पड़ेगा कि सत्ताधारी पार्टी जो है वर्तमान में वो बीजेपी है, और यह बड़ा इस हमारे समाज का बड़ा कड़वा अनुभव है कि एक व्यक्ति जब चुनाव जीत जाता है तो वो 5 साल मजबूरी होती है उसकी काम करना, और जो हार जाता है वो 4 साल आराम करता है, 5वें साल में जाकर शुरुआत करता है लोगों से मिलने मिलाने, वो पूरे 5 साल काम नहीं करता। ये समस्या रहती है, वो बड़े स्तर पे भी है, छोटे स्तर पे भी है, हर जगह। तो उसका कारण है कि कोई भी व्यक्ति अचानक, जैसे अभी चुनाव की जब घोषणा हुई या लगने लगा था कि अब चुनाव होने वाला है, तो बहुत सारे लोग निकल कर आए थे। तब जनरल सीट थी, तब तो सीट की बंटवारे की भी ये पता नहीं था कि क्या होगा, तो बहुत सारे लोग थे। ऐसे ही अगर आप अनाउंस कर दीजिएगा पहले से, 6 महीने पहले से, ओबीसी रही तो ओबीसी में बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन वो समाज में रहते क्यों नहीं, उनको समाज सेवा करनी है, उनको काम करना है, उनको आना है तो उनको रहना चाहिए। वो केवल इसीलिए कि उनके पति या घर में कोई है नेता है, अगर राजकुमारी वर्मा जी जो कि
आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं, वो एकमात्र ऐसी महिला लगती हैं जो स्वेच्छा से मैदान में आई हैं और पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। वो सक्रिय महिला भी रही होंगी, इसीलिए उनको टिकट मिला है। चूंकि आम आदमी पार्टी का बहुत ज़्यादा हमारे फिरोजाबाद में अस्तित्व नहीं है, इसलिए उस पर लोगों की ज़्यादा नज़र नहीं रहती है। इसके अलावा जो भी है वो कहीं ना कहीं अपने पति के प्रभाव के कारण ही है। वो हमारी कामिनी राठौर जी जो कि बीजेपी की कैंडिडेट है, वो भी इसी कारण है। पढ़ी लिखी है, उन पर कोई डाउट नहीं है, एक अच्छी महिला है, इस बात पे भी कोई संदेह नहीं है, किंतु जनता सिखाने के लिए ही प्रतीक्षा करती रहेगी, यह दुर्भाग्य है। एक आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि आपने अभी कहा कि बाकी जो पार्टियां हैं उन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, आम आदमी पार्टी इतनी सक्रिय नहीं है फिरोजाबाद में, तो क्या बीजेपी को कोई टक्कर देने वाला दिख रहा है आपको? बीजेपी को टक्कर देने चुनाव एक तरफा जा रहा है? बीजेपी को टक्कर देने वाला तो निसंदेह कोई नहीं है, बीजेपी को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये बात भी आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि बीजेपी का कैंडिडेट यानी जो प्रत्याशी है उसकी अपनी क्षमता कुछ भी नहीं, ये बात आपको स्वीकार करनी है। वो जीत भी जाएंगे, महापौर भी हो जाएंगे, उनको उतना ही समय लग जाएगा जितना समय की नूतन राठौर जी को। यह भी एक संभावना में व्यक्त करता हूं, जिस प्रकार पिछले चुनाव के बाद जब महापौर नूतन राठौर जी बनी थी और हम सबने देखा था कि कुछ दिनों के लिए उनके पिताजी आते थे तो उसके लिए वहां के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करनी पड़ी, उनको हंगामा करना पड़ा कि महापौर तो वो है, उनको आना चाहिए। ऐसी संभावना इस बार भी होने को, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़े हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों में यदि बात करें तो उज्जवल गुप्ता एक नाम है। अब से कुछ दिनों पहले हम सब लोग देख रहे थे कि उन्होंने बीजेपी से आवेदन किया। एक प्रश्न जरूर खड़ा होता है कि अगर नूतन राठौर जी को नहीं भी देना था टिकट तो बीजेपी उज्जवल गुप्ता पर दाव लगा सकती थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में आई, क्या कुछ कर पाएंगी ये तो भविष्य बताएगा, निर्णय बताएगा, चुनाव के पश्चात परिणाम बताएंगे। किंतु वर्तमान समय में यदि आप देखेंगे जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी व्यक्तिगत, बाकी उनके पति भाई उनका क्या रोल रहा है समाज में वो एक अलग इशू है, लेकिन वर्तमान समय में यदि आप प्रत्याशियों की बात पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे कि उज्जवल गुप्ता का कोई विकल्प नहीं। जो प्रत्याशी अभी हैं, अगर फिरोजाबाद की जनता किसी पार्टी को या अपने व्यक्तिगत संबंधों को आधार न बनाए तो उज्जवल गुप्ता का कोई विकल्प नहीं। उज्जवल गुप्ता एक पढ़ी लिखी लड़की है, वो LLB हैं, LLM हैं, बोलना आता है, वो अपनी बात रख सकती है। वो एक IAS के साथ जो उनका सचिव होगा उसके साथ बैठ के मंत्रणा कर सकते हैं, वो उससे चर्चा कर सकते हैं, भाई साहब इस कार्य को कैसे बेहतर किया जा सकता है, वो कर सकती है। उनके साथ काम करने में जो एक IAS अधिकारी उनका सचिव होगा, नगर आयुक्त होगा, वो अपने आप को सहज अनुभव करेगा, ये बात है। बाकी जीत कोई भी जाए उनके साथ वो सहजता नहीं रहेगी, उसको उनके पति से बात करनी पड़ेगी, भाई साहब क्या कैसे करना है। तो यह परिस्थिति हम खड़ी कर रहे हैं, हमारा संविधान या हमारा देश या हमारी वर्तमान केंद्रीय सरकार ये चाहती है कि महिलाएं आगे आए, पर महिलाओं को आगे आने के लिए आवश्यक है उनकी स्वतंत्रता, जो हमें कहीं नजर नहीं आती। ये फिरोजाबाद वो भी है जिसने जगन्नाथ लहरी को निर्दलीय जिताया, मैं बात कर रहा हूं जगन्नाथ लहरी जी की, जो कि
1950 से लेकर 60 के बीच के दशक में यहाँ फिरोजाबाद के विधायक रहे, निर्दलीय प्रत्याशी इस फिरोजाबाद ने, और उस समय वो कांग्रेस का शासन हुआ करता जो विधायक के तौर पर दूसरी बार में जब भाजपा ने टिकट नहीं दिया था तो सदर विधायक माननीय मनीष असीजा जी भी निर्दलीय प्रत्याशी थे और वो जीते। तो ये एक उदाहरण है कि जनता जो चाहती है, और आज उन्हें काम करते हुए 4 कार्यकाल लगभग हो गए। वो मनीष असीजा जी के संदर्भ में उन्होंने अच्छा काम किया था इसलिए वो रिपीट बार बार हो रहे हैं। नूतन राठौर नहीं कर पाई होंगी इसलिए नहीं रिपीट हुई। नहीं, नूतन राठौर काम नहीं कर पाई, आपने कहां समय दिया उनको? बीजेपी टिकट उस समय देती है, 17 तारीख को टिकट होगा, अब वो निर्दलीय भी ना चुनाव में आ सकते, क्योंकि आपको सोचना पड़ता है, आपको विचार रखना पड़ता है। आप जिस पार्टी के साथ 5 वर्ष तक रहकर काम किया उस पार्टी ने आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, काम नहीं कर पाए ये तो जनता बताएगी ना, जनता बताती, जनता में तो कोई आक्रोश नहीं है उनके प्रति। आप देखिए, आप तो पत्रकार हैं, आप जाते हैं समाज में जाते हैं, उनके प्रति आक्रोश है क्या? जनता कहीं हल्ला कर रही है क्या? नूतन राठौर मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं क्या? नहीं ना, अगर उनके प्रति मुर्दाबाद के नारे तो कामिनी राठौर के भी नहीं लग रहे। नहीं, वो कामिनी राठौर, बिल्कुल आपका प्रश्न सही है, कामिनी राठौर का नहीं लग रहा, लेकिन वो किसी पद पे नहीं रही है, वो तो काम करेंगे उसके बाद की बात होगी। आपने जैसे एक प्रत्याशी को हटाया, सोशल मीडिया पर भी एक लहर दिख रही है, लोग उज्ज्वल गुप्ता लिखे जा रहे हैं जी। तो क्या लगता है कि कुछ टक्कर हो सकती है? देखिए, टक्कर होना ना होना ये बात पड़ती है, वो वोट पर आधारित है। जनता के साथ जनता को भ्रम की स्थिति में डाल दिया है। जनता के सामने विकल्प क्या है? केंद्र में बीजेपी की सत्ता है, प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है जी। हमारे जनपद में विधायक जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं वो बीजेपी के हैं, हमारे सांसद बीजेपी के हैं। अब फिरोजाबाद की जनता जो बीजेपी के साथ लंबे समय से जुड़ी रही है जी, वो क्या करे? क्योंकि उसके साथ संकट ये आ गया है कि क्या वह एक अच्छे कैंडिडेट के साथ जाए या नहीं। मेरा तात्पर्य उज्जवल गुप्ता जी से, जो सबसे सशक्त सबसे शक्तिशाली इस समय कोई प्रत्याशी है तो उज्जवल गुप्ता है, तो जनता उनके साथ जाना चाहे, तब उसके साथ संकट ये हो जाएगा कि सत्ता में नहीं तो काम कैसे होगा। और जो सत्ताधारी है वहां सबको दिख रहा है कि जो कामिनी राठौर जी हैं वो काम करना चाहें भी तो भी उन्हें नहीं करने दिया जाएगा, और वो 1-2 साल में सीखेंगे तो सीखने नहीं दिया जाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि यह पुरुष प्रधान देश है, यहां बमुश्किल 2% लोग ऐसे होंगे जो अपने घर की महिलाओं को स्वतंत्र रूप से काम करने देते हैं, समाज में जाने देते हैं। देश के सर्वोच्च पद पर महिला आसीन है जी, आप कह रहे हैं देश पुरुष प्रधान है। ये माननीय द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो राष्ट्रपति हैं हमारे देश की जी, वो भी एक संचालन कर रही है पूरे तो देश। मैंने कहा ना, 2% लोग हैं, 2% लोग हैं जो अपने घर की महिलाओं को समाज के लिए समर्पित करते हैं, 2% है ना, 2% भी बहुत होता है। तो द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रही है वो उन 2% में, और उनकी अपनी, उनका सब कुछ अपना बनाया हुआ है। यह भी आप उनका इतिहास देखिए, आप उनके बायोग्राफी को पढ़िए तो आपको मिलेगा कि उनका वो आज ऐसे ही नहीं है। लेकिन समस्या इस बात की है कि 98% लोग केवल अभी महिला सीट है। कामिनी जी पहले चुनाव में कभी आवेदन क्यों नहीं आया, या फिर आगे क्या वो कंटिन्यू करेंगी? क्योंकि मैंने देखा है जैसे ही प्रधानी में पुरुष सीट या सामान्य सीट हुई वैसे ही प्रधान जी हट गए, जो महिला थी
क्यों नहीं वो अगली बार फिर से आई, उसी घर में से उन्हीं के पति ने सुना आप लड़ा, क्यों? ऐसी समस्या क्या आ जाती है? अभी पुरुष सीट होता फिर देखते, अगर हमारे यहाँ फिरोजाबाद में पुरुष सीट होती तो देखते कि कितनी महिलाएं आती चुनाव में। ये तो महिला सीट है तो अनिवार्यता है महिलाओं की। उज्जवल गुप्ता तब भी थी जब, लेकिन उज्जवल गुप्ता तब भी थी जनरल का जब वो था, तब जनरल की बात थी वहां, महिलाओं की बात नहीं थी कि महिला प्रत्याशी होना चाहिए। उस समय भी उज्जवल गुप्ता अपनी प्रत्याशिता दर्शा रही, यानी वो उस समय भी अपनी बात कह रही थी, तो वो 2% लोगों में से है। और आज की वर्तमान स्थिति की बात करेंगे, आप मुझसे प्रश्न करेंगे कि नहीं होना चाहिए, तो मैं पहला कह, अगर आप कहते कि चलिए इन सभी को छोड़िए फिर आप देखिए कि आप किसे कहना चाहेंगे, तो मैं चाहता, अगर मेरी बात कहेंगे तो मैं यही कहूंगा कि पहला प्रत्याशी के रूप में यदि बीजेपी से किसी को स्वीकार्यता मेरी तरफ से होगी तो वो होगी नूतन राठौर जी के लिए, क्योंकि वे अनुभवी और वो इतना कुछ सीख चुकी थी कि अगले 5 वर्षों में वो फिरोजाबाद को और बेहतर कर सकती थी। प्लस वो फिरोजाबाद की समस्याओं से वो परिचित उनको हो चुकी थी, उनको सारा अनुभव हो चुका था कहाँ समस्याएं, और जब उनके जब वो 4-5 साल में सीख कर वो राजनीतिक जो परिवेश है उसमें ढल चुकी थी तब तक उनको हटा दिया गया। अब दूसरी जो भी हमारी आदरणीय महापौर आएंगी उनको पहले सीखना पड़ेगा, यदि उनके घर से मान भी लें कि ऐसा मान लें कि नहीं नहीं उनके पति हस्तक्षेप नहीं करेंगे और वो स्वतंत्र होकर काम करेंगी, फिर भी उनको सीखने के लिए समय चाहिए। तो जनता फिर वही डामाडोल, उसकी स्थिति तो वैसी की वैसी है। अब वो अपने महापौर को सिखाने बस यही करती रहे फिरोजाबाद की जनता कि वो अवसर देती रहे, सीखो भैया आओ सीखो, आओ सीखो, आओ सीखो और निकल जाओ। नगर निगम एक स्कूल है, नगर निगम याद है महापौर की पढ़ाई होती है जी। तो यह निश्चित रूप अच्छा से। ये मतलब हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन ये एक समस्या है कि अगर ऐसा ही है कि सिखाने का सिस्टम है तो राहुल गांधी को सीखने का मौका क्यों नहीं दिया जाता? ये बात है। और पत्रकार वहां पर नरेंद्र मोदी का क्यों दावेदारी अधिक रहती, प्रबल रहती? उसका कारण है, आपने सही प्रश्न किया कि राहुल गांधी को क्यों नहीं कह देते कि जनता नहीं किसी को चाहती कि ऐसा आ जाए कोई भी, क्योंकि वहां जनता के पास विकल्प, यहाँ आपने विकल्प छोड़ा ही नहीं, फिरोजाबाद में आपने विकल्प दिया ही नहीं। अब 17 तारीख को अंतिम आवेदन होना है, 16 तारीख की रात को 10 बजे लिस्ट जारी हो रही है बीजेपी की। अब जो वहां अच्छे लोग थे भी वो भी आवेदन करने से, क्योंकि एक तो पार्टी से नाता तोड़ना, इतने वर्षों से काम करते चले आ रहे हैं वो नाता खत्म कर लो तब आओ, और अन्य कोई सोच नहीं पा रहा, सोचने का समय नहीं दे रहे। तो कहीं ना कहीं ये जो भ्रम की स्थिति, एक जाल बिछाया जाता है, ये जनता के लिए हानिकारक है। आपके व्यक्तिगत जो भी निर्णय रहे हों, जो भी समस्याएं रही हों, वो आपकी अपनी है, आपको जनता को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं जो उच्च दायित्वधारी है पार्टियों के, जिनके पास टिकट बंटवारे की चर्चाएं होती हैं, जिनके पास अधिकार होते हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि जनता पहले है या आपके निजी हित। चलिए तो अंतिम कंक्लूजन आप क्या इस पूरे विश्लेषण का करते हैं और जनता को क्या देखते हुए वोट करना चाहिए? मेरे संदर्भ में यदि बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह पूरा फिरोजाबाद का चुनाव आज वर्तमान स्थिति में ऐसा है कि जनता निरीह, जनता के पास विकल्प नहीं, और जो विकल्प है उसके साथ भविष्य नहीं। तो जनता अभी संकट में है, वोट उसको करना ही है। तो होना जाना क्या है ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन एक बात अवश्य मैं कहना चाहूंगा, आपने कहा कि जनता से आप क्या कहना चाहेंगे, तो मेरा
जनता से आपके माध्यम से केवल यही निवेदन है कि देखिए सत्ताएं आती हैं चली जाती हैं, आप अपना देखिए, आपको जो आपका हृदय कहे अब वहां वोट करिए। आपके आपको ये देखना चाहिए कि वास्तविकता में कौन सबसे उत्तम विकल्प है जो इस नगर निगम को दिशा और दशा दे सकता है, इसके विकास पर, इस नगर निगम को बेहतर बनाने पर काम कर सकता है, आप उसे वोट करिए। पार्टी या सत्ताएं ये सब झोल से बाहर निकलकर आप स्वतंत्र अपने हृदय की सुनिए और वोट करिए। एक अच्छा कैंडिडेट इस फिरोजाबाद को दीजिए ताकि वह इस फिरोजाबाद की जनता के लिए काम कर सके और फिरोजाबाद को ऊंचाइयों तक ले जा सके, मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है आपको ये चर्चा से कुछ जानकारी महत्वपूर्ण मिली होगी, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।